टू द कर्व, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस सिक्स विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन एक्स प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू जीरो, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो हमें इस इक्वेशन की टेंजेंट निकालनी है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो देखो ये कंडीशन किस तरह की हो गई ये समझना। हमने बोला ये कर्व है, इस कर्व पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ये टेंजेंट की इक्वेशन और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन की इक्वेशन की बना आपको। ये लाइन है आपकी x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो बेटा इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है? -1/14। तो बेटा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप 14 होगा। तो टेंजेंट का स्लोप हमारा 14 होगा क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है, क्लियर है ये? यस। अब मैं पहले पॉइंट मान लेता हूं, लेट द पॉइंट बी एक्स वन कोमा वाई वन वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन। तो ये आ गया वाई वन इक्वल टू एक्स वन क्यूब प्लस टू एक्स वन प्लस सिक्स। नाउ दिस बी फर्स्ट इक्वेशन, y1 इक्वल टू एक्स वन क्यू प्लस टू एक्स वन प्लस सिक्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इस कर्व को डेरिवेटिव कर दो, y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया हमारा dy बाय dx इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया 3x1 स्क्वायर प्लस 2। नाउ स्लोप ऑफ लाइन बता ही चुके हो आप, स्लोप ऑफ लाइन है -1/14। अब आप बोलोगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, सो देयरफॉर इनका दोनों का स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होगा क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है इसलिए दोनों का स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होगा। ये समझ में आया, ये क्लियर है? तो 3x1 स्क्वायर प्लस 2 14 के इक्वल आ गया, 3x1 स्क्वायर 12 के इक्वल आ गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो x1 का वैल्यू आ गया हमारा प्लस माइनस 2। तो हमारे पास यहां से x1 की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस 2 आ गया और एक माइनस 2 आ गया। नाउ व्हेन x1 इक्वल टू 2, जब x1 की वैल्यू 2 है तो y1 का वैल्यू आ गया 2 का क्यूब 2 इंटू 2 प्लस 6। तो y1 आ गया हमारा 18। जब x1 2 है तो हमारा y1 18 आ गया, ये क्लियर है? और when x1 इक्वल टू माइनस 2, तो y1 आ गया माइनस टू का क्यूब
फोर इंटू माइनस टू प्लस सिक्स माइनस एट माइनस एट सॉरी फोर थोड़ी है टू है माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स इक्वल टू माइनस सिक्स। तो ये हमारे दो पॉइंट आ गए जहां पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है। पहला पॉइंट आ गया हमारा 2.18 और दूसरा पॉइंट आ गया आपका माइनस टू कोमा माइनस सिक्स। इसका मतलब यहां से हमें दो टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी। अब कैसे मिलेगी ये दो टेंजेंट की इक्वेशन? देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2.18 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2.18 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2.18 तो ये आ गया वाई माइनस 18 एक्स माइनस टू। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? अरे टेंजेंट का स्लोप कितना है? 14। ये पहले ही आपको इससे पता करना है कि 14 है क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन। तो ये आ गया y माइनस 18 इक्वल टू 14x माइनस 28। तो पहली वाली लाइन आ गई आपकी माइनस 10 इक्वल टू 0। तो पहली लाइन आ गई आपकी 2.18 पर 14x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट माइनस 2.-6 तो ये आ गया y प्लस 6 x प्लस 2 और स्लोप है 14। तो y प्लस 6 इक्वल टू 14x प्लस 28 तो हमारी ये इक्वेशन आ गई प्लस 22 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई 14x माइनस y प्लस 22 इक्वल टू 0। दीज आर द टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया सबको? अरे ये प्रॉब्लम क्लियर है? अरे जवाब दो। यस सर। और किसी को कोई डाउट है किसी को? चलिए फिर अगली प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। लिख रहा हूं अभी y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए इधर फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वाई इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। वेयर द टेंजेंट is parallel to the line joining 4.1 and 3.0 4.1 and 3.0 तो हमें इस कर्व पर पॉइंट निकालना है जो कि इस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट के पैरेलल। तो कैसे करेंगे? वही पहले तो पॉइंट सपोज कर लेंगे। लेट द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन। बी एक्स वन कोमा वाई वन तो ये हो गया वाई वन इक्वल टू एक्स वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन y1 इक्वल टू x माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर।
Now y equal to x minus 3 का होल स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x डिवाइड बाय dx 2x माइनस 3 तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एक्स वन माइनस थ्री ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया. नाउ स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकलेगा बेटा दो पॉइंट गिवन है तो स्लोप ऑफ लाइन y1 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो ये तो 1 आ गया भाई स्लोप स्लोप क्या आ गया 1. नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्योंकि दोनों पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन तो ये आ गया 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 1 तो 2x1 इक्वल टू 7 तो x1 का वैल्यू आ गया हमारा 7/2 x1 का वैल्यू हमारा आ गया 7/2 अब यदि x1 आ गया तो हमारा y1 भी आ जाएगा y1 क्या आया फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर तो ये 1/2 हो गया बेटा का होल स्क्वायर 1/4 सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट 7/2 कॉमा 1/4 ये आपका वो पॉइंट आ गया जिस पे आपका ये कर्व इस लाइन के पैरेलल था इस कर्व पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल क्लियर है Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब एक और मैंने इस तरह की एक और प्रॉब्लम बताई थी जो वेरी इंपॉर्टेंट थी उसमें क्या था वो था फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y² = x³ Find the points on the curve 9y² = x³ where normal to the curve max Equal intercept with the coordinate axis. हमें given है कि normal जो है वो coordinate axis के साथ equal intercept cut कर अब इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब बताया था ना तुम्हें स्लोप क्या होगा प्लस माइनस वन होगा तो पहले तो लेट द पॉइंट वेयर नॉर्मल इज ड्रॉन बी एक्स वन कॉमा वाई तो ये आ गया 9y² = x³ फर्स्ट इक्वेशन 9y² = x³ नाउ 9y² = x³ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x 18y/dx = 3x² / dx = 3x² / 18y ये आ गया x² / 6y ये आपका डिवाइड dx तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया भाई हमारा x² / 6y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x² / 6y1
ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस सिक्स वाई वन अपॉन एक्स वन स्क्वायर, ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। नाउ नॉर्मल मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट, नॉर्मल मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू प्लस माइनस वन, इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो माइनस सिक्स वाई वन अपॉन एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस वन, सो माइनस सिक्स वाई वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स वन स्क्वायर, या माइनस वो एक ही बात है बेटा, क्योंकि माइनस वन की जगह प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वाई वन का वैल्यू आ गया प्लस माइनस एक्स वन स्क्वायर बाई सिक्स, वाई वन का वैल्यू प्लस माइनस एक्स वन स्क्वायर बाई सिक्स। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब बेटा ये वाई वन का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन वन नाइन वाई वन स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करो, तो एक्स वन की पावर फोर बाई थर्टी सिक्स इक्वल टू एक्स वन क्यूब, एक्स वन क्यूब से ये कैंसिल हो गया, तो बेटा एक्स वन का वैल्यू मेरे पास फोर आ गया, एक्स वन का वैल्यू मेरे पास फोर आ गया सर। जीरो आ सकता है लेकिन जीरो पर स्लोप जीरो बाई जीरो होगा, डिफाइन। अरे एक मिनट रुक तो जा बेटा, मेरी को मेरी बात पूरी कर लेंगे। यहाँ पर एक्स दो वैल्यू आएगी वैसे तो, एक्स वन का वैल्यू फोर भी आएगा और जीरो भी आएगा, लेकिन जीरो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो अपॉन जीरो आया, इसलिए हम एक्स वन क्यूब से एक्स वन की पावर फोर हटा देंगे, इसलिए आंसर एक्स वन इक्वल टू फोर आएगा। हाँ अब तो बोले इसमें सर, एक बार ये स्लोप ऑफ नॉर्मल भी वापस आप बता दो कि प्लस माइनस वन की हुआ। बेटा इंटरसेप्ट का मतलब होता है जैसे ये कर्व है, इस लाइन का स्लोप, ये इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है इसका ए और ए, ए इंटरसेप्ट है, ए इंटरसेप्ट है, लेकिन इसका स्लोप निकालूंगा ना मैं, तो इसका स्लोप आएगा माइनस वन क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। ये समझ में आया? यस सर। अब इसका ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है इसलिए स्लोप माइनस वन आया। जैसे इसका दूसरा केस लेते हैं, ये भी इंटरसेप्ट ए है और ये भी है, वो नेगेटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट तो इंटरसेप्ट मतलब लेंथ, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो यहां पर भी इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये एंगल, ये एंगल 45 डिग्री, तो इसका स्लोप आ गया प्लस वन। तो जब भी इक्वल इंटरसेप्ट करेगा या तो प्लस वन स्लोप बनाएगा या माइनस वन स्लोप बनाएगा, ये इसका रीजन होता है। ओके सर। भाई मैं यदि इसकी इक्वेशन की बात करूं तो इस वाले की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू वन, फिक्स है, सेम इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू वन, और इसकी इंटरसेप्ट आएगी x माइनस वाई इक्वल टू वन, तो इसका स्लोप प्लस वन है और इसका स्लोप माइनस वन, और इसका स्लोप माइनस वन है और इसका स्लोप प्लस वन, इसलिए ऐसा होगा। तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है। अब एक्स वन का वैल्यू आपका फोर आ गया, तो y1 का वैल्यू रख दो बेटा, 4 का स्क्वायर 16 बाई 6, तो y1 हो गया आपका प्लस माइनस 8 बाई 3, तो ये पॉइंट्स आ गए आपके 4 कोमा प्लस माइनस 4 कोमा प्लस माइनस 8 बाई 3, ये पॉइंट्स आ गए। क्लियर? क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट 5x1 माइनस 3. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट 5x माइनस 3 माइनस 2 which is parallel to the line, which is parallel to the line 4x minus 2y plus 3 equal to 0, which is parallel to the line 4x minus 2y plus 3 equal to 0. हमें इस equation tangent निकालनी है जो कि parallel है इस line की. बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, कहीं पे भी आप भटकेंगे नहीं. लेट द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज ड्रॉ बी x1, y1. तो ये आ गया y1 इक्वल टू अंडर रूट 5x1 माइनस 3 माइनस 2. नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा बेटा. वाई इक्वल टू अंडर रूट 5x माइनस 3 माइनस 2. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy/dx 1/2 अंडर रूट 5x माइनस 3 और 5x माइनस 3 का डेरिवेटिव 5. तो ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट 5/2 अंडर रूट 5x1 माइनस 3. स्लोप ऑफ लाइन बताइए. स्लोप ऑफ लाइन 2. नाउ बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, क्योंकि टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वही स्लोप ऑफ लाइन होगा. इसका मतलब इनका स्लोप और स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों सेम होगा. तो जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे बेटा, क्योंकि मैंने बोला लाइन के इक्वल स्लोप के इक्वल होगा, तो क्या लिखोगे? 2 लिखोगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4√5x1 − 3 = 4, 5. स्क्वायरिंग कर दो. तो यहां से x1 का वैल्यू 73/80 आ गया. दिस इज द वैल्यू ऑफ x1. x1 का वैल्यू हमारा 73/80 आ गया. इसमें कोई डाउट? नो सर. अब x1 आ गया तो y1 निकालो. मैं इधर लिख देता हूँ y1. देखो इधर y1 फर्स्ट इक्वेशन से 5 × 73/80 माइनस 3 माइनस 2. तो y1 आ गया 73/16 एलसीएम ले लो. 73 − 48 माइनस 2 तो 25. तो 5/4 स्क्वायर रूट. तो बेटा y1 का वैल्यू आ गया −3/4. y1 का वैल्यू क्या आ गया? −3/4. क्लियर? यस सर. अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट पता है हमारे पास, स्लोप भी पता है. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y − y1 −3/4. स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 x − x1
ये हमारी फाइनल आंसर है 80x माइनस 40y माइनस 103 इक्वल टू जीरो. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई. क्लियर है? क्लियर है? कहीं दिक्कत है इसमें बेटा? नो सर. चलिए अगली प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि नॉर्मल जो है वो कांस्टेंट डिस्टेंस से है ओरिजिन से. वो भी एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और पूछी जाती है. 6 मार्क्स में आती हूँ डायरेक्ट. तो मैं वाली प्रॉब्लम करवा रहा हूँ और उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा आपको. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालने के लिए बोल. चलो लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व. Find the equation of tangent and normal to the curve. Tangent and normal to the curve. कर्व है हमारा x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा एट एनी पॉइंट थीटा. Also prove that normal is at constant distance from the origin. हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालना है इस कर्व पर वो पॉइंट है थीटा. और हमें ये प्रूव करना है कि जो नॉर्मल है ये कांस्टेंट डिस्टेंस पर है ओरिजिन से. तो अब इसको किस तरह से करेंगे समझ. पॉइंट थीटा माना. लेट द टेंजेंट नॉर्मल इज ड्रॉन. वैसे जनरली ये लास्ट वाला पार्ट ही पूछा जाता है सिर्फ नॉर्मल वाला. लेकिन मैंने सोचा कि अभी दोनों करवा देते हैं. Let the tangent normal is drawn at point x1, y1. So therefore x1 equal to a cos theta plus a theta sin theta and y1 equal to a sin theta minus a theta cos theta. ये तो पहला पॉइंट x1 y1 आ गया. अब हमारा x इक्वल टू डिफरेंशिएट कर देते हैं. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये आ गया dx by d थीटा माइनस a sin थीटा. थीटा की डिफरेंशिएशन 1 तो a sin थीटा प्लस a थीटा sin थीटा का cos थीटा. ये आ गया भाई dx by d theta a theta cos theta. dx by d theta आ गया आपका a theta cos theta. ये बहुत बार कर चुके हैं वैसे ये वाली प्रॉब्लम. तो अपन डिफरेंशिएशन में भी कितनी बार की थी और कल ना जब रिवाइज किया था तब भी किया था. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा
डी वाई बाई डी थीटा ए कोस थीटा माइनस ए, ब्रैकेट लगा लो क्योंकि आगे माइनस है, थीटा का डेरिवेटिव वन कोस थीटा और थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा, इसको सोल्व कर लीजिए, माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ गया भाई ए थीटा साइन थीटा। डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है किसी को बेटा? डिफरेंशिएशन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब मेरे को इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हमें पता है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये आ गया ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कोस थीटा। बेटा टेन थीटा मत लिखना, उसका रीजन मैंने सुबह भी बताया था आज पहली वाली क्लास में, क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालनी है और एक्स वन और वाई वन दोनों साइन और कोस के रेस्पेक्ट में, इसलिए उसको चेंज कर दोगे तो फिर आपका टेन थीटा हो जाएगा और ये साइन कोस में हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। और स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया हमारा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां तक क्लियर है? अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और फिर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये फिर उसके बाद प्रूव करेंगे कि नॉर्मल इज एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब इतना होने के बाद इधर आ जाओ, इधर शिफ्ट कर देता हूं मैं इसको, मैं यहां लिखूंगा देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस वाई वन था आपका a साइन थीटा माइनस a थीटा कोस थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, x माइनस एक्स वन ए कोस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो देखो मैं सोल्व कर रहा हूं, कोस थीटा से सबको मल्टीप्लाई कर दो, y कोस थीटा माइनस a साइन थीटा कोस थीटा, माइनस और माइनस प्लस a थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू x साइन थीटा माइनस a साइन थीटा कोस थीटा और माइनस ए थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों वैल्यू हमारी कैंसिल हो, क्लियर है? क्लियर है ये? यस सर। अब देखो आगे, एक्स साइन थीटा, ये वाई कोस थीटा को इधर ले आओ, वाई कोस माइनस वाई कोस थीटा इसको उधर ले जाओ, ए थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया हमारा एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा, ए थीटा कॉमन आ गया, तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा? वन, तो ये इसका वैल्यू x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू a थीटा, इसमें कोई डाउट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो जनरली वही पूछा जाता है आपसे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
बस सिर्फ स्लोप चेंज होगा, बाकी वही का वही रहेगा, वाई माइनस ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कोस थीटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर वापस सेम एक्स माइनस ए कोस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स कोस थीटा माइनस माइनस प्लस ए कोस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारी फाइनल जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई है वो कुछ इस तरह से आएगी, देखो तो ये हमारा फाइनली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ रही है, ये देखिए इधर आ जाता हूं, तो ये हो गया आपका x cos थीटा माइनस y sin थीटा, सॉरी x cos थीटा प्लस y sin थीटा उधर जाएगा, और इसको इधर ले आओ a cos स्क्वायर थीटा प्लस a sin स्क्वायर थीटा, कॉमन आ गया a, तो हमारी फाइनली जो आपके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई है बेटा ये आ गया x cos theta plus y sin theta equal to, this is the equation of normal, ये हमारी equation of normal आ गई x cos theta plus y sin theta equal to a, this is the equation of normal। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये नॉर्मल जो है ओरिजिन 0 0 से कांस्टेंट डिस्टेंस पर, ये नॉर्मल मैं इसको इधर ले आता हूं, तो मैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालूंगा, तो किसी पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू 0 + 0 माइनस ए, एक्स का कोफिशिएंट है कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा, और वाई का कोफिशिएंट है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ए का मॉडुलस हो गया मॉडुलस से नीचे वन हो गया, अब देखो ये कांस्टेंट डिस्टेंस आ रही है इसलिए हम बोलेंगे नॉर्मल इज एट, सो देयरफॉर नॉर्मल इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो नॉर्मल इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द, इसलिए नॉर्मल क्या है वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, क्लियर है, क्लियर है, ये है बेटा। तो ये पार्ट था भाई आज का हमारा, अब अपन मिलेंगे ट्यूसडे को टेस्ट के साथ, तो आप तैयार रहिए और मैं अगली क्लास में जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बेटा, अभी एनसीईआरटी की कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्या हम, या कर सकते हैं? एनसीईआरटी की तो वो सेम एक्सरसाइज है जो मैंने करवा दी तुम्हें। ओके सर, वो तो पूरी कर सकते हैं, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही, वो तो पहले भी पढ़ा कर दी अपन, क्यों तेने नहीं की क्या? सर एक्चुअली मैंने एनसीईआरटी अभी नहीं की इसकी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या पता क्या हो रहा है तेरे को उस बार, सॉरी सर एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी उसमें।